गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लक्ष्मी सिंह आज आपको कक्षा 3 में पाठ 13 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है प्रदूषण मुक्त दीपावली। दीपावली तो आप जानते ही हो, हम लोग मनाते हैं, हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है, त्यौहार है। तो प्रदूषण मुक्त दीपावली हम कैसे मनाएंगे, पहले हम प्रदूषण के बारे में हम जानते हैं। प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण, दूषक पदार्थ में जब हम दिवाली में बम बारूद फटाका छोड़ते हैं उसको, पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण का अर्थ है हवा पानी मिट्टी आदि का अनवांछित द्रव्यों से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है। ओके, इस पाठ में हम प्रदूषण मुक्त दीपावली कैसे मनाएंगे वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम थोड़ा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इस पाठ में हमें क्या बताया जा रहा है। दीपावली के पावन पर्व पर मानिक नाम का एक लड़का, जो इस पाठ में है, मानिक नाम का एक लड़का अपने पिताजी को पटाखे लाने के लिए कहता है, पटाखे लाने के लिए कहता है। तो उसके पिता जी समझाते हैं कि ये पटाखे वातावरण में धुआं छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, वातावरण में धुआं छोड़ते हैं, जिससे हमारा वातावरण क्या होता है, दूषित, मीन्स गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है, और हम लोग इसी दूषित वातावरण में क्या लेते हैं, श्वास लेते हैं। इसीलिए प्रदूषण रहित दीपावली मनाने के लिए पटाखे नहीं जलाने चाहिए, क्या नहीं जलाने चाहिए, पटाखे नहीं जलाने चाहिए। दूसरी बात, इन पटाखों को बनाने वाले बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो होते हैं, जिनका बचपन व शिक्षा इन कामों में खोकर रह जाती है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं कारखाने में जहाँ बम बारूद फटाका बनता है उसमें छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, तो वो उनका जो पढ़ाई शिक्षा वो इन कारणों से रुक जाता है, वो आगे नहीं पढ़ पाते, पढ़ ही नहीं पाते हैं, शिक्षा इन कामों से खोकर रह जाती है। पटाखे जलाने से हमारे हाथ भी जल जाते हैं, राइट। इन सब बातों को जान लेने के बाद मानिक ने यह निश्चय मीन्स ठाना कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, निश्चय किया कि आज से वह प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाएगा। और इस चैप्टर के बाद आप लोग भी सोचोगे और ठानोगे कि हम भी प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाएं। अब हम प्रदूषण मुक्त दीपावली कैसे मनाएंगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यह पाठ साहित्य की संवाद विधा में है, जिसमें यह संदेश दिया गया है कि अपने पर्यावरण को स्वच्छ तथा प्रदूषण रहित रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ वातावरण हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्या है, अत्यंत आवश्यक है। चलिए, पिताजी और बेटा आपस में बातचीत करते हुए, मानिक जो है बेटे का नाम है, मानिक बोलता है पिताजी से, पिताजी आप तो जानते हैं कि त्योहारों का समय चल रहा है, दशहरे के बाद हमारा सबसे अच्छा त्योहार कौन सा आता है, दीपावली आ रहा है। फिर पिताजी बोलते हैं, हाँ बेटा, दीपावली का पावन पर्व, पावन का मतलब क्या हुआ मालूम है आप लोग को, पवित्र, और पर्व का मतलब क्या हुआ, पर्व का त्योहार जो आप लोग जानते हो, पर्व तो आने ही वाला है, हम सब खूब धूमधाम से दीपावली मनाएंगे। फिर मानिक बोलता है, फिर तो पिताजी इस बार आप हमारे लिए खूब सारे पटाखे लाएंगे, खूब सारे पटाखे लाएंगे।
फिर पिताजी बोलते हैं, बेटा क्या दीपावली की धूमधाम केवल पटाखों से ही होती है? जो बेटा ने पूछा और बोला कि आप हमारे लिए बहुत सारे पटाखे लाएंगे, तो पिताजी ने बोला कि क्या तुम बताओ मुझे कि जो दीपावली हम मनाएंगे, जो हमारा पर्व है, वो पटाखों से ही मनाया जाएगा? अब सुनो आगे क्या होता है। क्या बम और अनार चलाने से ही दीपावली की रौनक आती है? ऐसा नहीं है, मानिक बोलता है, पर पिताजी पटाखों के शोर से ही तो पता चलता है कि आज ही यह सुंदर पावन पर्व है। पिताजी बोलते हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, दीपावली मनाने के और बहुत से तरीके हैं, जैसे घर की साफ सफाई करना, दिए और मोमबत्तियां जलाना, घर को रंगीन बल्बों से सजाना, रंगोली बनाना, मिठाइयों की दुकानें सजना, दीपावली की मुबारक देना, दीपावली की पूजा करना, लक्ष्मी गणेश जी को पूजन आदि। अभी सुनिए, दीपावली है जो पर्व, हमारा हिंदुओं का पर्व है, अगर हम पटाखे नहीं जलाएंगे तो भी दीपावली हम मना सकते हैं, लेकिन दीपावली पे हमें घर की साफ सफाई करनी चाहिए, घर को सजाने चाहिए, मिठाई की दुकानों से मिठाई खरीदनी चाहिए, हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड है, आस पड़ोस के लोग हैं या हमारे रिलेटिव है, उनको दिवाली की शुभकामनाएं देनी चाहिए, मुबारकबाद देनी चाहिए, ओके, ये सब करनी चाहिए दिवाली पे। हमें रंगोली बनानी चाहिए सुंदर सुंदर, फिर जिस दिन दीपावली होता है उस दिन हमें शाम को दिए हुए जलान के फिर गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए, ठीक है, ना कि बम बारूद फटाका ये जलाना चाहिए, थोड़ा सा जलाना चाहिए चलो एंजॉय के लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं कि वातावरण हमारा गंदा हो जाए। अभी हम आगे बढ़ेंगे। मानिक बोलता है पिताजी से, हम यह सब तो करते ही हैं, पर मेरी समझ में एक बात अभी तक यह नहीं आई कि हमें पटाखे क्यों नहीं जलाने चाहिए। बेटा जो है वो अपने पापा से पूछ रहा है कि चलो ठीक है, पर पटाखे क्यों नहीं जलाने चाहिए ये मुझे बताइए। अब पिताजी बोलते हैं, हाँ बेटा यह जानना बहुत ज़रूरी है, आज मैं तुम्हें पटाखों से होने वाले नुकसान के विषय में जानकारी देना चाहता हूँ, तो सुनो बेटा। अब सुनो, ध्यान से सभी सुनेंगे। पटाखों के अंदर एक ज्वलनशील का मतलब आग से जलने वाला ज्वलनशील पदार्थ होता है, जो आग के संपर्क में आने पर धमाका और धुआं करता है। जहाँ बम बनता है, फटाके बनते हैं, वहाँ आग का थोड़ा सा भी कुछ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आग जलेगा नहीं कि पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो वही बोल जा रहा है इस चैप्टर में कि ज्वलनशील पदार्थ होता है जो आग के संपर्क में, मीन्स थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ, संपर्क में आने पर धमाका और धुआं करता है। यह धुआं तुरंत हमारे वातावरण का मतलब क्या हुआ, परिवेश, वातावरण में फैल जाता है। इसी वातावरण में हमारे लिए प्राणवायु का मतलब हुआ जीने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, ओके, प्राणवायु उपस्थित रहती है जिससे हम सांस लेते हैं। यह धुआं वायुमंडल में उपस्थित प्राणवायु में मिलकर हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है, ओके? इस प्रदूषित हवा के कारण हम हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है इस प्रदूषित हवा के कारण हम अस्थमा जैसे रोगों के शिकार हो जाते हैं, हमारे फेफड़े खराब होने लगते हैं, ओके? अब मानिक बोलता है, मानिक, अच्छा पिताजी, फिर तो पटाखे बहुत ही नुकसानदायक है। नुकसानदायक का मतलब हुआ हानिकारक।
नुकसानदायक हैं। मैं तो यह सब नहीं जानता था। इतने में मानिक की माता जी भी वहाँ आ जाती हैं। मानिक के जो माता जी थी मम्मी, वो भी वहाँ पर आ जाती हैं। अब माता जी बोलती हैं, मानिक क्या तुम्हें याद नहीं कि गत वर्ष पटाखे जलाने से पड़ोसी की नेहा का हाथ जल गया था। गत वर्ष मीन्स पिछले साल पटाखे जलाने से पड़ोसी की नेहा का हाथ जल गया था। मानिक, अरे हाँ वह कैसे हुआ था? मानिक ने पूछा, अरे सही बात है, वह कैसे हुआ था? फिर माँ बोलती है, नेहा अपने घर के बाहर अनार वाला जो पटाखा होता है ना, वो पटाखे वाला जला रही थी कि अचानक वो अनार फट गया। बहुत सारे ऐसे पटाखे होते हैं जो मीन्स फटते नहीं, हमको लगता है कि नहीं फटा है, फिर हम उसके पास जाते हैं, फिर अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, जल जाता है बहुत सारे, ठीक है। अचानक वो अनार फट गया जिसके कारण उसका हाथ जल गया था। मानिक बोलता है, अरे माँ ये तो बहुत खतरनाक पटाखे हैं, इनमें तो बहुत खतरा है। माता जी बोलते हैं, बेटा तुम्हारे पिताजी उचित मीन सही कह रहे हैं, हमें दीपावली को दूषित रहित मनाना चाहिए, मीन्स पटाखे बगैर मनाना चाहिए। बीच में पिताजी आकर बोलते हैं, पिताजी बेटा एक बात और मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, ये पटाखे बनाने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं जिनकी पढ़ने की उम्र होती है, मगर वे इस काम में लग जाते हैं और उनका बचपन क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। मानिक बोलता है, पिताजी हमें उन बच्चों को इन कामों से मुक्त करना चाहिए, जैसे जैसे पटाखे कम खरीदे जाएंगे उनका उत्पादन भी कम हो जाएगा। अगर हम वो पटाखे कंपनी वाले बनाएंगे, ठीक है, अगर हम खरीदेंगे नहीं, पब्लिक खरीदेगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा, वो पटाखे तो जो बने हुए हैं वो ऑलरेडी रहेंगे, बिकेंगे ही नहीं, तो इससे क्या होगा, पटाखा बनाना बंद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। चलो, उनका उत्पादन भी कम हो जाएगा। तब यह बच्चे इन घिनौने का अर्थ क्या हुआ, घृणा योग्य घिनौने तथा खतरनाक काम से मुक्त हो जाएंगे। अब पिताजी बोलते हैं, हाँ बेटा कैलाश सत्यार्थी जैसे महापुरुषों ने बचपन बचाओ आंदोलन चलाकर अनेक बच्चों को इन कारखानों से मुक्ति दिलाई है, हमें भी सत्यार्थी जी के समान सोचकर बच्चों के बचपन को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। अब मानिक बोलता है, पिताजी आपने मेरी आंखें खोल दी, आंखें खोलना मीन्स सचेत करना, आंखें खोल दी है, अब मैं कभी पटाखे नहीं जलाने की जिद नहीं करूँगा, ना ही आपसे पटाखे लाने के लिए कहूँगा, हम भी प्रदूषण रहित दीपावली मनाएंगे, ठीक है। माताजी बोलते हैं, शाबाश बेटा, वेरी गुड, यदि आज की युवा पीढ़ी इस राह पर चलेगी तो बहुत जल्दी ही हम प्रदूषण जैसी घातक बीमारी पर विजय पा सकते हैं। मानिक, धन्यवाद माताजी एवं पिताजी, आपने मुझे बहुत ज्ञान की बातें बताई, मैं आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को मित्रों में भी बांटूंगा। हमारे साथ ऐसा होता है ना कि जब मम्मी पापा या बड़े हमें कुछ समझाते हैं तो हम क्या बातें करते हैं कि मैं ना अपने फ्रेंड को ये बात बताऊंगा, फिर वो अपने घर पे जाके बताएगा, ऐसे कर करके बातें बढ़ जाती है, मीन्स आगे तक पहुँच जाता है। इसीलिए हमें दीपावली दियो से मनानी चाहिए, दूसरे की हेल्प करके मनानी चाहिए, दूसरे को मुबारकबाद देना चाहिए, घर की सफाई करनी चाहिए,
रंगोली बनाने चाहिए, नए नए कपड़े पहनने चाहिए और शाम को लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन करना चाहिए, ना कि पटाखे जला के प्रदूषण को गंदा करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें प्रदूषण रहित दीपावली मनानी चाहिए। ओके, चलो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप अच्छे से रीड करोगे पढ़ोगे। ओके चलो बाय।